हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या दिया है। द परपेंडिकुलर्स दैट फॉल फ्रॉम एनी पॉइंट और टू द स्ट्रेट लाइन 2x + 11y इजक्ल टू 5 अपॉन टू स्ट्रेट लाइन 24x + 7y इजक्ल टू 20 एंड 4x - 3y इजक्ल टू 9 आर 12 एंड 4 रिस्पेक्टिवली 11 एंड 5 रिस्पेक्टिवली इक्वल टू ईच अदर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो सिंपल सा गाइस है कि अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन में समझो क्वेश्चन क्या है। बोला है कि कोई एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, कोई एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, उसकी इस लाइन से और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, इतना इतना होगी या फिर वो आपस में इक्वल होंगे, वे आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो गाइस एक सिंपल तरीका है कि आप एक्स की वैल्यू 0 रख लो और वाई की वैल्यू निकाल लो और उस पॉइंट से इसके लिए और इसके लिए डिस्टेंस निकालो और जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा उसी आप आंसर दे सकते हो। लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो मुझे एक जनरल तरीके से करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आपको हमने मान लिया लेट लेट कर लिया, ठीक है, ये हमने यहाँ से लेट कर लिया, लेट पॉइंट एच कमा के लाइज ऑन द लाइन 2x + 11y इजक्ल टू 5। एक पॉइंट एच कमा के जो इस लाइन पर लाई जा रहा है 2x + 11y इजक्ल टू के, देन इट विल सेटिस्फाइड दैट इसमें हम इसको रख सकते हैं। तो x प्लस मैंने h रखा और y के प्लस पे कितना रखा k, तो कितना हो जाएगा 2h + 11k इजक्ल टू 5 हो जाएगा गाइस। यानी अगर मैं इसको ध्यान देखो तो मैं इसको लिख रहा हूँ k इजक्ल टू कितना होगा 11k इजक्ल टू होगा 5 - 2h, यानी k इजक्ल टू 5 - 2h अपन 11। तो गाइस सिंपल सा जो अब फंडा आपका था, अब मैं इसको एक वेरिएबल बदल लूँगा इस पॉइंट को। h के प्लेस पे तो h ही रहेगा बट k के प्लेस में रख सकता हूँ 5 - 2h अपन 11। ठीक है, जितना रख दिया। अच्छा, अब इस पॉइंट से ना अभी एच कामा के से मुझे दोनों लाइन की दूरी निकालनी है। देखो पहला, देखो दो दो साइड में निकाल लिया। एक तो लाइन हमारे पास है कितना जो ऊपर दिया 24 + 24x + 7y - 20, और ये हमने डी वन मान लिया और ये हमारा गाइस कितना होगा, इसको इस दूरी क्या मान लेते हैं, डी टू मान लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। और ये कितना होगा एच कामा के होगा, बट हम एच एच तो एच रहेगा बट हमें के प्लस क्या रख सकता हूँ 5 - 2h अपन 11। सेम यहाँ पे भी होगा h वही रहेगा और यहाँ पे k के प्लेस पे होगा 5 - 2h अपन 11। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला गाइस हम निकालना, किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फार्मूला हमारा यही होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन मॉट के अंदर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जस्ट अप्लाई कर दिया हमने 24 x के प्लेस पे कितना आ जाएगा h, इसी प्रकार से प्लस 7 y के प्लेस पे कितना आएगा 5 - 2h अपन 11 -20 हो जाएगा। और यहाँ x का कोफिशियंट हमारा कितना 24, y कोफिशियंट हमारा कितना है 7। सेम गोज हियर गाइस, यहाँ देखो कितना हमारे पास होगा x प्लस पे कितना आएगा h, तो h हो गया 4h हो गया और y के प्लस पे कितना आएगा 3 y के प्लस पे कितना आएगा 5 - 2h अपन 11 - 9। जस्ट सिंप्लीफाइड हियर, आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। देखो कितना आएगा गाइस, ऊपर आ जाएगा कितना ए 11 यहाँ एच में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 आ जाएगा। यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई में 35 - 14h - इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 220 हो जाएगा। अब आप 11 को नीचे ले सकते हो और ये होगा 24 के स्क्वायर 576 और 7 के स्क्वायर होता है 49। अब वंस अगेन इधर देखोगे आपको कितना होगा, इधर होगा 44h - 15h + 6h - 99 अपन 11 + √25। अब गाइज आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे कितना आएगा 250h - 185 अपन 11 + √625। अगेन यहाँ पे देखो हमारे पास गाइज कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 50h - 114, यहाँ पर होगा 11 √25, तो वो क्या होगा 5 हो गया। तो बड़े आसानी से यहाँ से गाइज आप 5 कामन ले सकते हो, 5 कामन तो 5 से काट सकते हो, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो d1 जो आपके पास आ रहा है गाइज वो आ रहा है 50h - 37 अपन 55 और जो d2 आ रहा है 50h - 114 अपन 55। वो था नॉट सेम बिकॉज यहाँ पे देखो 37 है, यहाँ पे 144 है, 114 है ना, 114 है, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर d इज़ करेक्ट।